हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमो व्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है रीसेल वैल्यू। आप जब भी नई गाड़ी लेने जाते हैं तो आपका पहला कंसर्न क्या होता है? बहुत सारे लोगों का पहला कंसर्न होता है फीचर, माइलेज, कंफर्ट एंड लुक। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पहला कंसर्न होता है रीसेल वैल्यू, मतलब वो एनालाइज करते हैं कि 5 साल बाद इस गाड़ी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वो गाड़ी अपग्रेड करते रहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद सेल आउट कर देते हैं। ऐसे में अगर वो गाड़ी अच्छा पे बैक ना करे फिर तो अंबानी को भी बुरा लग जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उन गाड़ियों के बारे में जिनका अभी इस सिचुएशन में अच्छा खासा रीसेल वैल्यू है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं द रोड क्राउन किंग मारुति सुजुकी स्विफ्ट से। यूज्ड कार मार्केट में इस कार की डिमांड हमेशा बहुत हाई होती है, चाहे वो कोई भी फ्यूल टाइप हो, मैटर नहीं करता, बस स्विफ्ट होना चाहिए, फिर लोग आपको नॉन निगोशिएटेड प्राइस भी देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि यूज्ड कारों में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली कार है। अगर आप एक स्विफ्ट ऑनर हैं फ्रॉम एनी जनरेशन, आप फेयरली एक हाई रीसेल वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार है ह्यूंडई i20, जो एक कोरियन गोल्ड हैचबैक कार है। अगर आप कंफर्ट और कन्वीनियंस का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इवन इस कार की फर्स्ट 2009 मॉडल में भी अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत कम प्राइस पर मिल जाएंगे। इस प्रीमियम हैचबैक कार की डिमांड हमेशा होती है, इसलिए इसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है। थर्ड में है स्विफ्ट का बड़ा भाई डिज़ायर। सीडान कारों में लोगों की ये फर्स्ट चॉइस होती है, और जो मारुति लवर्स होते हैं उनको तो सिर्फ मारुति नाम से किसी भी मारुति की कार्स को बेच सकते हैं, इसलिए मारुति की कारों की रीसेल वैल्यू हमेशा अच्छी होती है, जैसे वैगनार, सियाज, बलेनो, अर्टिगा। इंडिया में लोग इन कारों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। वैसे इसकी कंपेयर में और भी अच्छी कारें हैं जिनकी रीसेल वैल्यू इनसे कम होती है। अब मारुति से हटकर बात करते हैं, फोर्थ नंबर पर है होंडा सिटी। इस सेगमेंट में आपको सबसे ज़्यादा होंडा सिटी मार्केट और रोड पर दिखेगी, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये कार इंडियन रोड पर रूल कर रहा है। इवन जो करेंट मॉडल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। यूज्ड कार मार्केट में इसकी हर जनरेशन कारों में आपको हाई डिमांड दिखेगी, और हाई डिमांड मतलब हाई रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू की बात हो और महिंद्रा स्कॉर्पियो का नाम ना आए फिर तो ये दिस इज़ नॉट फेयर वाली बात है। तो बात करते हैं स्कॉर्पियो और XUV500 की। स्कॉर्पियो की डिमांड स्पेशली टायर 2 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। टायर 2 सिटीज़ में स्कॉर्पियो की फ़ैन फॉलोइंग क्रेजी है, मतलब लोग बिना निगोशिएट किए इंस्टेंटली कैश हैंड ओवर करते हैं और गाड़ी ले जाते हैं। XUV500 की बात करें तो उसकी भी डिमांड है, लेकिन टायर 1 सिटीज़ में ज़्यादा है। अगर आप भी अपनी स्कॉर्पियो की बेस्ट वैल्यू चाहते हैं तो एक सजेशन है कि आप टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में बायर ढूंढें, और अगर आप यूज्ड स्कॉर्पियो लेना चाहते हैं तो टायर 1 सिटीज़ में ख़रीदें, ज़रूर आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। छठवें नंबर पर बात करते हैं टोयोटा इनोवा और फॉर्च्यूनर की। इनोवा को इस सेगमेंट में कोई कार बीट नहीं कर सकता, ये MPV सेगमेंट का किंग है, रिलायबिलिटी की वजह से हो या फिर फीचर्स की वजह से, लेकिन ये कार हमेशा डिमांड में होती है। फॉर्च्यूनर की बात करें तो ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 30 से 35 लाख रुपए देने के बाद भी सनरूफ नहीं मिलता, बट ट्रस्ट और पॉपुलैरिटी जो इसने बनाया है फर्स्ट जनरेशन से ही, लोग उस पर बिलीव करते हैं। इस कार की भी यूज्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है,